नमस्कार दोस्तों, सार्थक कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं रन कमांड के शॉर्टकट के बारे में। वैसे तो हमारे कंप्यूटर में सभी तरह के प्रोग्राम्स को चलाने के लिए शॉर्टकट हमें अवेलेबल होते हैं। जो शॉर्टकट आइकन डेस्कटॉप पे भी हमें नज़र आते हैं, और जो प्रोग्राम के शॉर्टकट हमें नहीं मिलते हैं उन्हें हम स्टार्ट बटन पे जा करके और ऑल प्रोग्राम से उनको सर्च करके हम यूज़ कर पाते हैं। एक्सेल है या फिर एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन सभी प्रोग्राम के शॉर्टकट हमें ऑल प्रोग्राम में मिलते हैं। और जिनके नहीं मिलते हम यहाँ सर्च बार से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड यहाँ पे लिखेंगे तो उसका शॉर्टकट हमें ऊपर प्रोग्राम का आइकन दिखाई देगा, जहाँ से क्लिक करके उसे हम चला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आज हम एक नया काम ये सीखने वाले हैं कि हम सारा काम कीबोर्ड से ही करें। कीबोर्ड से काम करना अन्य लोगों से काम करने की अपेक्षा थोड़ा हमें अलग बनाता है, और काम करने का एक नया तरीका भी है, तो वो आज हम सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कीबोर्ड से किस तरह से किसी भी प्रोग्राम को खोला जा सके। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को कीबोर्ड से ओपन करने के लिए हम रन कमांड का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करेंगे, जिसका डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह का नजर आता है, और इस डायलॉग बॉक्स में संबंधित प्रोग्राम का आपको शॉर्टकट लिखना होता है। जैसे कंप्यूटर के छोटे से प्रोग्राम की बात करें, नोटपेड, नोटपेड हम यहाँ पे लिखेंगे कि नोटपेड लिखा, और एंटर हिट करते ही नोटपेड प्रोग्राम हमारे सामने इस तरह से खुल जाएगा। अल्टर F4 से मैं इसको बंद कर देता हूं। ठीक इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में एक और प्रोग्राम है एमएस वर्ड, तो इसका शॉर्टकट भी कंप्यूटर में दिया हुआ है, विन वर्ड W, इसका शॉर्टकट होता है विन वर्ड। एंटर हिट करेंगे तो एमएस वर्ड हमारे सामने खुल जाता है। एमएस वर्ड के अलावा भी और दो दूसरे प्रोग्राम है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन्हें भी हम बड़ी आसानी से रन कमांड से ओपन कर सकते हैं। तो विंडो R प्रेस करेंगे और एक्सेल लिखेंगे, EXCEL एक्सेल लिखने पर एक्सेल प्रोग्राम को हम ओपन करके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में कई सारे प्रोग्राम के रन कमांड शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनके रन कमांड के शॉर्टकट हमारे पास नहीं होते हैं। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है, उसका आप रन कमांड खुद से बना पाए और को प्रोग्राम को तेजी से खोल पाए। इसकी जरूरत इसलिए भी लग सकती है कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर यूज करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर हमें पता नहीं हो उस कंप्यूटर में प्रोग्राम है या नहीं, सर्च करना पड़े। अगर हमें उसका रन कमांड पता है तो हम जल्दी से खोल पाएंगे। और अगर अपने कंप्यूटर की भी बात करें तो हम अपने कंप्यूटर में अपने खुद के प्रोग्राम्स के रन कमांड के शॉर्टकट हम बना सकते हैं। तो ये हम करके देखने वाले हैं। जैसे कि मुझे अपने कंप्यूटर में टैली को ओपन करना है, तो विंडो R करके यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा टैली, तो ये टैली प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर में नहीं ओपन होगा। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्टकट मैंने बनाया नहीं है। तो ये किस तरह से बनाया जाता है ये हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको जिस भी प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाना है, रन कमांड का शॉर्टकट बनाना है, उसके लिए उसका पहले आपको एक शॉर्टकट क्रिएट करना होगा। शॉर्टकट क्रिएट करना बहुत ईजी है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे आई बटन में इसका एक प्रोग्राम वीडियो नजर आ रहा है, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं कि किसी प्रोग्राम को शॉर्टकट कैसे बनाया जाए। तो अभी यहां हमारे सामने टेली का प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, मैं शॉर्टकट की एक कॉपी बना लेता हूं। तो राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके यहां से कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहां पे लिखा हुआ है सेंड टू डेस्कटॉप, ये सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट यहां बन के आ गया, ये देखिए आ गया। अब मैं शॉर्टकट को रिनेम कर लेता हूं। रिनेम करूंगा तो सिर्फ मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ टैली, यही मुझे शॉर्टकट बनाना है। इसको मैंने यहां से किया कट, यहां से कट करेंगे और हमें इसको सी ड्राइव में विंडो वाले फोल्डर में जाके पेस्ट करना है। उसके लिए भी हम रन कमांड की ही प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। विंडो R प्रेस करेंगे, यहां इस रन कमांड के डायलॉग बॉक्स में आपको लिखा है C:\ बैक स्लैश और विंडो, ये विंडो लिखा और एंटर हिट करेंगे तो आपका विंडो का फोल्डर खुल जाएगा। यहां पे राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दीजिए, देखिए शॉर्टकट यहां पेस्ट हो गया। इसे मैं बंद कर देता हूं और अब करेंगे विंडो R और लिखते हैं टैली, TALLY टैली, और एंटर। जैसे एंटर हिट करेंगे तो टैली वाला प्रोग्राम आपके सामने बड़ी आसानी से खुल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम्स के शॉर्टकट बना सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे कंप्यूटर में एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटर, सबलाइन, सबलाइन का शॉर्टकट बनाने के लिए
स्टार्ट बटन पे जाके वहां से भी बना सकते हैं, और सर्च बॉक्स में जो आपको दिखाई दे रहा है सबलाइम ऑलरेडी मैंने खोला हुआ था, राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन करते हैं। यहां इसका आइकन दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक कीजिए और इसे करेंगे सेंड टू डेस्कटॉप। जैसे ही हम सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे हमें यहाँ पे आइकन नज़र आ जाएगा शॉर्टकट। मैं इसे F2 के बटन से रीनेम कर लेता हूँ और इसका नाम यहाँ पे हम लोग रख देते हैं सबलाइम अपनी सुविधा के लिए। यहाँ से मैं इसे करूँगा कट और विंडो R प्रेस करके हम C:\ करके विंडो लिखेंगे और यहाँ विंडो वाला फोल्डर इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ उस कॉपी कट किए गए फोल्डर प्रोग्राम को हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए पेस्ट यहाँ पे हो चुका है। अब इसे हम बंद कर देते हैं, विंडो R करके हम उसको रन करके देख सकते हैं। तो SUBLIME सबलाइम लिखा और एंटर करेंगे, ये प्रोग्राम हमारे पास इस तरह से खुल के हमें दिखाई देगा। Alt+F4 से हम इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम के लिए पहले शॉर्टकट बना लीजिए, फिर आप उसका रन कमांड बना सकते हैं। विंडो में जनरल प्रोग्राम के शॉर्टकट की एक लिस्ट है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप उसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।